अरे यहाँ मैदा होता है पंद्रह अगस्त को झंडा फहराए जाने के बाद महाराजगंज के एक मदरसे में ये बहस राष्ट्रगान को लेकर छिड़ी थी। दरअसल अरबिया अहले सुन्नत गर्ल्स मदरसे के संचालक जुनैद अंसारी ने तिरंगा तो फहराया लेकिन राष्ट्रगान गाने से बच्चों को रोक दिया। इस पर टीचर सुनील कुमार त्रिपाठी और दो शिक्षकों ने विरोध दर्ज कराया। अरे पहले राष्ट्रगान होगा भाई, राष्ट्रगान नहीं होता है। अरे यहाँ मजा होता है, हमारे नहीं होता, हमारे बंदर कुछ नहीं होगा। मामले की जांच महाराजगंज के जिला अधिकारी ने की और पाया कि संचालक मौलाना जुनैद समेत तीन लोगों ने राष्ट्रगान का अपमान किया। जांच के आधार पर योगी सरकार ने मदरसे की मान्यता समाप्त कर दी है। वहाँ की सरकार से आपको अनुदान और पैसा भी मिल रहा है, वहाँ सारी सुविधाएं भी ले रहे हैं और राष्ट्र के खिलाफ आप आवाज उठाएंगे? राष्ट्रगान ना होने देना राष्ट्र के खिलाफ आवाज ही तो है, और खुले कैमरे के सामने कह रहे हैं। तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके जेल ही भेजा जाएगा, इनके खिलाफ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। दरअसल देश में राष्ट्रगान को लेकर कानून है और उसके अपमान पर सजा भी है। इसके साथ साथ योगी सरकार ने मदरसों को आदेश जारी किया था कि 15 अगस्त को झंडा फहराने के बाद राष्ट्रगान गाना अनिवार्य है, लेकिन मदरसे के संचालक मौलाना जुनैद अंसारी और उनके सहयोगियों ने न कानून की परवाह की और न सरकारी निर्देश की। आज तीनों जेल में हैं और उनके मदरसे की मान्यता रद्द कर योगी सरकार ने अपना सख्त रुख दिखाया है।